सब्जी, दो चार सब्जियों के नाम लेना। अरे गोभी, टिंडे, आलू, अदरक, टमाटर वगैरह वगैरह भाई। आए कितना प्यारा बोलते हैं आप, वो सब्जी का ठेला क्यों नहीं लगा लेते, कितने प्यारे लगेंगे आप। क्या बदतमीजी है मोमो, अब मैं सब्जी बेचूंगा। क्यों, सब्जी बेचने वाले इंसान नहीं होते क्या? अरे सुबह सुबह दिमाग की दही मत बनाओ। हाँ, दही भी साथ लानी है। आलू, आलू, आलू लाने हैं आपने? खाली आलू ना, तो फिर भरे हुए कौन से आलू होते हैं? अरे मेरा मतलब है कि खाली आलू पकाओगी? ओए मैं आलू गोश्त पकाऊंगी मुस्तकीम। घर में गोश्त है क्या? नो नो, गोश्त तो घर में नहीं। अरे भाई तो फिर गोश्त भी तो लाना होगा, ये भी तो बोलो ना। तो जाए जो दिल करता है लेकर आए, बैठ के बातें करी जा रहे हैं आप। अरे यार, ये जरा सी चीज लाने के लिए मुझे क्यों भेज रही हो, अपने बेटे को भेजो ना। अब मैं आलू लाने के लिए सोने को हॉस्टल से बुलाऊं मैं? है नबील की बात कर रहा हूँ, सोने की नहीं। नबील, ये कौन है? तुम्हारा बेटा मोमो। खाना खाना है ना दोपहर का, तो जाके बाजार से सब्जियाँ लेके आए, वरना फिर मैंने भी सो ही जाना है इधर। मेरे अलावा इस घर में कोई और काम करता ही नहीं है, करता ही नहीं है, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम बुलाओगी और मैं नहीं आऊंगा? ओके ओके भाईजान, खुदा हाफिज। नबील, तुम पूरा दिन बेड पर लेट कर गुजार देना। चलो तुम कहो तो मैं बैठ कर गुजार देता हूँ। खुदा के लिए नबील, कोई काम कर लो, चार पैसे ही कमा लो। चलो चार पैसे क्यों, मैं तो लाखों करोड़ों कमाऊंगा यार। तुम महीने में 20,000 ही कमा लो, यही बहुत बड़ी बात है। कितनी छोटी बात कर दी जानू तुमने, मैं तो 20,000 एक दिन में कमाने के चक्कर में हूँ और तुम कह रही हो महीने के 20,000। तुमने अपनी शक्ल देखी आईने में नबील? जानू मैं आईना बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा आईना देखता हूँ ना तो मुझे अपनी ही नजर लग जाती है। तुमने कभी सोचा है नबील, तुमने सारी जिंदगी इस तरह बिस्तर पर पड़े पड़े गुजार देनी है? ये तुम ज्यादती कर रही हो जानू, मैं बिस्तर पे कहाँ जिंदगी गुजार रहा हूँ यार, बाहर नहीं बैठता, लाउंज में बैठ के चाय पीता हूँ, उसके बाद मैं लॉन में जाके वॉक करता हूँ, किचन में डिनर करता हूँ, फिर एक आधा चक्कर गली का भी लगाता हूँ, फिर जब थक हार जाता हूँ तब आता हूँ बिस्तर पे। नबील कुछ काम कर लो, कोई ऐसा काम जिससे चार पैसे आ जाएं घर में। जानू आ जाएंगे, मैं रोजाना तुम्हें 20,000 रुपया कमा कर दिखाऊंगा एक दिन। और वो दिन कब आएगा? क़यामत से ऐन पहले जानू, इंशाल्लाह। असल बात ये है कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कमाने वाली। और जानू प्लीज ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं तुम्हें एक दिन में 20,000 कमा कर दिखा सकता हूँ। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं नबील, और इन 10 सालों में वो एक दिन कभी नहीं आया। जानू तुम्हारा शौहर कितना टैलेंटेड है, ये प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हें एक दिन में 20,000 कमा कर दिखाऊंगा। लगी शर्त? लग गई, बिल्कुल लग गई, और आज ही मैं तुम्हें कमा के दिखाऊंगा 20,000। चलो डन हो गया। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस पार की देखी जाएगी भले, उस पार निकलते हैं यार। बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए जेवर ओ पावन कड़िया सुनिया रे दा, जिनानू देंदा ए रब रूप गुजारे दा। सच्चा हुसन मेरे अंग अंग विच परे आए नी, कुंड विच सोने चन मेरे चढ़े आए नी, दुपट्टा कालड़ा। माजी, आपके पास कितना जेवर है? ना मैं क्यों बताऊं तुझे कि मेरे पास कितना जेवर है? क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ। मुझे सब मालूम है बच्चों, तू दुर्दाना है ही नहीं। हाँ, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। और तू वो भी नहीं है। क्या मतलब है आपका? लो जी, मतलब बता दिया तो तूने तो यहाँ से नस जाना जी। अब तो मैंने ऐसी जगह तुझे भेजना है ना कि तुझे मजा ही आ जाना है। फिर अमेरिका? नहीं पुत्र, जेल। जेल? मजाक कर रही थी, तुम डर गई ना। माँ जी मैं जरा आप खाना पका दूँ। नहीं तू नहीं जा सकती यहाँ से। छोड़िए। ओए
ये नई वाली खूबसूरत तो पुरानी खूबसूरत जैसी बदतमीज और जोरदार है। अरे यार, कहीं लोगों को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? लगता है यहाँ से भागना पड़ेगा। बेटा खाना बन गया? जी मैं बोल साहब, बिरयानी तैयार है। भाई बिरयानी तो मैं नहीं खाऊंगा, तुम एक काम करो खूबसूरत, मेरे लिए ना मटन कुन्ना बना लो, शाबाश जल्दी से। वो ना मैं बहुत थक गई हूँ, सोच रही थी कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे बना लो भाई, वैसे भी जेल में तो पतली दाल ही नसीब होगी। जी जेल कौन जा रहा है? अरे भाई वक्त का क्या पता, कब किसको कहाँ जाना पड़ जाए। वो महमूद साहब, मुझे ना यहाँ बहुत घबराहट हो रही है, मैं जरा खुली फिजा में सांस लेकर आती हूँ। घबराहट हो रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर महमूद, जाए जल्दी से, अब केक मंगवाए जल्दी से। आज मेरी कोई सालगिरह वालगिरह नहीं है, अरे भूल गए तुम, 4 तारीख का वादा था। बस कर दे महमूद साहब, मैंने तो किसी लड़की से मिलने का वादा नहीं किया था आज। तुमने 1 हफ्ता पहले मुझे 5,000 रुपए लिए थे उधारे, और तुमने कहा था कि 4 तारीख को मैं पैसे वापस कर दूंगा। लाओ 5,000 रुपया निकालो मेरा। इतना बड़ा मुंह और इतनी छोटी बात। देखो नबील, तुमने उधार लिया था, वापस तो करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा चले, काम करें, पहले मेरे 2 करोड़ रुपए वापस करें। 2 करोड़? अरे कौन से 2 करोड़ भाई? 1-1.5 करोड़ की तो अभी तक आप रोटियां खा चुके हैं, और तकरीबन 40-50 लाख जो है उसका साबुन इस्तेमाल हुआ है आपके मुंह पर। इंतहाई घटिया तरीन किस्म की बात कर रहे हो तुम नबील, मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। इसी बात का तो दुख है, इस नए मोहल्ले में भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके बच्चे आपका बड़ा सारा मुंह देख के डर जाते हैं। देखो नबील, ये आए बाएं शाएं मत करो, सीधी तरह मेरे पैसे निकालो वरना मैं तुम पे केस कर दूंगा। और जाएं जाएं करें केस, केसों से मैं नहीं अब डरता। हाँ, और फांसी में लगवाऊंगा आपको, और माँ जी की किसी नेक शरीफ अमीर आदमी से 3री शादी करवाऊंगा इंशाअल्लाह। शर्मानी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। मैं भी जाकर तुम्हारी माँ को बताता हूँ तुम्हारे ये गंदे इरादे, वही तुम्हें सीधा करेगी। और तले तले जाके अपनी अतलों पे आंतू बहा के तो जाए। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, ऐंज लगदा वे जिवें रांझण मैनू हीर बनावण आ गया। मुमताज मुमताज। कौन मुमताज? मैं सऊद। अरे मुमताज तुम हो भाई, ये अपने बेटे को तुम समझा लो, ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर गुजरूं। ठीक है फयाज, आप मेरे लिए ना मरी जाने का बंदोबस्त करें, मैं सोने को उसके हॉस्टल में जाके ना समझाती हूँ। अरे मैं सोने की नहीं, तुम्हारे बड़े बेटे नबील की बात कर रहा हूँ। देखो मोमो, मैं उसके खिलाफ FIR कटवाने लगा हूँ। क्यों मकसूद? अरे उसकी नजर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जरूर उसकी नजरें खराब हो गई होंगी शिफात। अरे उसकी नजर नहीं, उसका दिमाग खराब हो गया है, मेरा खून खौल रहा है मोमो, ऐसा ना हो कि मैं उसका खून कर दूं। नहीं शहूद, नहीं, मैं आपको जलील का कत्ल करने नहीं दूंगी। अगर आपने उसको मार दिया तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कि एक बड़े मुंह वाले बाप ने छोटे से मुंह वाले बेटे को कत्ल कर दिया, तो इस पे तो फांसी बनती है फिर। अरे ये तुम दोनों माँ बेटा मुझे फांसी दिलवाने पे क्यों तुले हुए हो भाई? अरे उधर वो मेरे मरने का इंतजार कर रहा है ताकि बाद में वो तुम्हारी 3री शादी करवा सके। वश्य, ये हुई ना गल। बस मुझे गुस्सा मत दलवाओ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। आप एक काम करें, दौड़ी दौड़ी जाएं तो 1 किलो भिंडी ले आएं, मैं आपके लिए बड़ा मजे का भिंडी गोश्त बनाऊंगी जलील, जिसे खा के ना आपका सारा गुस्सा उतर जाने। महमूद एक दफा करें महमूद को, मैं तो सिर्फ आपके लिए भिंडी गोश्त बनाऊंगी। इससे तो अच्छा है मैं जाकर बाजार से सब्जी ले आऊं। जानू सो गई हो? जाग रही हूँ मैं, और तब तक नहीं सोऊंगी जब तक तुम नहीं सो जाओगे। ओ जानू, मुझे कहाँ इतनी जल्दी नींद आएगी, एक ऐसे शख्स को कैसे नींद आ सकती है जिसके पास बुनियान खरीदने के पैसे ना हो। वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से कैसे सो सकता है जानू, जिसका सुसर लोगों में 10-10 लाख रुपया बांट रहा हो, और उसका दामाद टगे टगे का मौत आ जो, उसको नींद कैसे आ सकती है जानू, कैसे? जवाब दो, जवाब दो। शराब नबील, अपनी घटिया तकरीर बंद करो, चुपचाप सो जाओ,
और खबरदार जो किसी ने भी पैसों पर नजर लगाई। ये मेरे हक के पैसे हैं जो पापा जी नवाबों में तकसीम करते फिर रहे हैं यार, ये मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही। हार में गई तुम्हारी गैरत, ये पैसे मेरे पापा के और इस वक्त किसी की अमानत है। सो जाओ चुप करके। चलो एक काम करते हैं, तुम सो जाओ, मैं रखवाली करता हूँ जाकर इन पैसों की। तुम्हें जरूरत नहीं है रखवाली करने की, पैसे मैं बहुत अच्छी तरह संभाल चुकी हूँ नबील, तुम्हें नहीं मिलेंगे। जानू वैसे बाय द वे तुम्हें अपने शौहर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। जानू ठीक है मैं सो जाता हूँ, लेकिन तुम्हें इस गरीब की बददुआ लगेगी। खूबसूरत बेटा सो तो नहीं रही, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? हाँ है, देसी मुर्गी की देसी घी में कढ़ाई बनवाए और ले आए। अरे चुप हुरलू, तुम तो चुप करो, मैं खूबसूरत से पूछ रहा हूँ भाई। क्यों खूबसूरत? नहीं महमूद साहब, किसी चीज की जरूरत नहीं है और आपकी तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप जाकर सो जाए। तसल्ली हो गई आपकी? हाँ हाँ हो गई है। अब तल्ले तल्ले जा रहा हूँ ना। ओए तल्ले, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे आवाज दे दे। ओए तल्ले तल्ले जाके तो दे अपनी अतलतों में आंसू बहा के तो दे।